देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आज नजीबाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मोहल्ला कल्याण में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता व जिला उपाध्यक्ष शरीफ अहमद के निवास स्थान पर पार्टी का झंडा लगाया। उन्होंने बताया जिले के अंदर 5000 झंडे लगाए जाएंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा लोकदल की विचारधारा हमेशा किसान मजदूर नौजवान छात्र हित की रहेगी। उन्होंने कहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने हमेशा दबे कुचले की आवाज को बुलंद किया था। आज भी चौधरी अजीत सिंह जयंत चौधरी समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। जिला उपाध्यक्ष शरीफ अहमद ने कहा पार्टी का कार्य मेरा झंडा मेरी पहचान कार्यक्रम सराहनीय है। इससे कार्यकर्ताओं को मजबूती और एकता मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का कार्य करें। अजीत सिंह व जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करें। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष इकबाल चौधरी व संचालन नौबहार सिंह ने किया। बैठक में शहजादा सैफी, अजीम इकबाल, आसिफ यूसुफ, वसीम सैफी, शारिक नईम, साकिब राइन, मुख्तार शेख, बब्बी भाई आदि लोग उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ी थी और संसद के अंदर भी, और उस काले कानून को उन्होंने खत्म करवाया। तो जब भी चौहान साहब को सत्ता मिली है, जब भी चौहान साहब के हाथ में कलम में ताकत आई है, तब तक उन्होंने किसान को देने का काम किया। जयंत चौधरी जी भी जब सांसद थे तो पार्लियामेंट में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जो लाने का काम किया था वो भी जयंत चौधरी का। जिला पंचायत में क्या रणनीति है? जिला पंचायत के देखिए चुनाव में हमारी तैयारी पूरी तरीके से चल रही थी, लेकिन अब सरकार की मंशा का पता नहीं चल पा रहा है कि चुनाव कराने की है या नहीं है या कितने दिनों के बाद है। अब देखिए अभी तो इन्होंने कहा है कि 6 महीने के लिए टाल दिए गए हैं, तो अब जब देखते हैं क्या लोकदल संगठन गठबंधन से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। अब देखिए कल के न्यूज़पेपर में हमने ये खबर भी पढ़ी थी कि योगी सरकार ने जो है इसका संशोधन करने के लिए भी कोई बिल भेजा है संसद में कि डायरेक्ट चुनाव कराया जाए, ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के डायरेक्ट सीधे जनता से चुनाव कराया जाए। तो अब देखते हैं क्या नीति बनती है, उसी हिसाब से अपनी रणनीति हम लोग बनाएंगे। क्या होता है कि जनता से होंगे या जिला पंचायत सदस्यों द्वारा होंगे और कब, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रकरण डॉक्टर कपिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पढ़ रहा था, मैंने आज ही आपको बताया कि हाईकोर्ट ने उनको रिलीज किया, ऑर्डर भी दिया। उनके वकील डीएम साहब से कल मिलना चाह रहे थे अलीगढ़ में, उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, डीएम साहब ने उनको टाइम नहीं दिया मिलने का, उनके पूरा परिवार अभी भी परेशान है। उनको बाहर निकालने के लिए 7 मार्च का मेरे ख्याल से छोटा सा बच्चा जिसकी अभी डॉक्टर कपिल ने शक्ल भी नहीं देखी थी। तो इस देश में अगर लोकतंत्र के खिलाफ अपनी मतलब लोकतंत्र में अगर अपनी बात कहने के लिए अगर आप कोई चीज़ करते हैं या सरकार कोई चीज़ कर रही है तो उसका विरोध करना तो जायज़ है। तो अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं करूँगा ही, और उसमें आप किसी को जेल में डाल देंगे तो कोई कोई कानून है नहीं और किस तरीके से सही नहीं करा जा सकता। कार्यक्रम क्या चल रहा है फिलहाल? कार्यक्रम मैंने आपके आने से पहले बताया था, मेरा झंडा मेरी पहचान राष्ट्रीय लोकदल का अभियान नाम से कार्यक्रम चल रहा है। जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के नेता पदाधिकारी सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता हैं, हम लोग नगर में गांव में जा जाकर उनके वहां पर स्वयं अपने हाथों से झंडे लगाने का काम कर रहे हैं। 5000 झंडे राष्ट्रीय लोकदल के इस जनपद में लगाने का लक्ष्य 15 नवंबर तक ही कार्यक्रम चल। जो कार्यकर्ता समर्पित हैं जैसे हमारे नजीबाबाद के शरीफ साहब, हम देखते हैं कि लोकदल विचारधारा से हैं और चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान भी करते हैं और जुड़ा हुआ है ये परिवार, तो उस सम्मान के लिए जो पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान के लिए पार्टी के लिए क्या योजना? उनके सम्मान के लिए मैं आज खुद ही आया हूँ और झंडा लेकर आया हूँ और सबसे ऊपर जाकर मैं खुद ही झंडा लगाऊंगा। स्वयं लगाएंगे आप? बहुत आपका स्वागत है।